हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सीपीएम यानी क्रिटिकल पाथ मेथड की। क्रिटिकल पाथ मेथड या सीपीएम की बात करें तो यह एक पथ दिखाने वाला एक तकनीक है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कोई भी इवेंट्स, हमारी कोई घटना है, हमारी कोई परियोजना है कितने जल्दी से जल्दी समय में वो पूरी हो सकती है। तो जो पथ दिखाया जाता है, जो क्रांतिक पथ जिसको बोलते हैं इसको, या अभीष्ट पथ जिसको बोलते हैं, वो यही है। इसके द्वारा ही हम जो हमारा अभीष्ट पथ है वो देख पाते हैं। तो इसके लिए हमारा जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और इसके अलावा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये कुछ इसके कुछ पार्ट्स है जो हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझ पाएंगे इन सभी को कि ये किस किस चीज़ में क्या क्या काम आते हैं और ये चीज़ें है क्या, ESC, LST वगैरह। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो इसमें दे रखी एक्टिविटी दे रखी है ABCD तक, और ये इनमें लगने वाला जो जो इनका रास्ता है, एक से दो क्रियाएँ हैं, एक से तीन पे, एक दो से चार पे, और ये पूर्वगामी क्रिया है ABCD, ठीक है, जो इनके पीछे की होगी। इसके अलावा इनमें जो टाइम लग रहा है वो प्रत्येक इवेंट में, जैसे ए है एक से दो तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है वो ये टाइम लगता है, इस तरीके से बी में एक से तीन पहुंचने में, ये सब ड्यूरेशन है, अवधि वीक्स में कितने सप्ताह, एक यदि कोई हम काम पूरा करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो इस तरीके से ये सभी का क्या दिखाया हुआ है, ड्यूरेशन दिखाया हुआ है कितने सप्ताह किसी इवेंट पर खर्च होते हैं। नीचे अपने जो पूछने वाली जो चीजें हैं वो है मंत्रालय का निर्माण एवं शीघ्रतम घटित होने वाला समय यानी ESP अलग स्टार्ट टाइम, और विलंबतम घटित होने वाला समय यानी LFT लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये हमें ज्ञात करना है। ये किस तरीके से ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा हल करते हैं। इससे पहले हम क्या करें, एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं जिससे आप समझ पाओगे कि इसमें ये जो चीजें हैं किस तरीके से निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो है तंत्र आरेख यानी नेटवर्क डायग्राम। जी है, हमारी प्रोसेस है, इसका नाम था जी,
ग्रेड्स, ये सारे क्रिया इनकी पूर्ववर्ती क्रिया है, का मतलब पूर्ववर्ती क्रिया इसके पीछे की क्रिया है। अब आपको ये तो हमारा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया, और अब हमें जो देखना है कि वो ईएसटी और एलएफटी हम किस तरीके से निकालें। तो इसमें यहाँ से हमारी जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, 6 नंबर पे आने के बाद में हमारी जो कोई भी एफडी होता है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसमें हमारा जो टाइम कम से कम कितना लगता है, देखिए हमारा सीपीएम जो पार्ट जो मेथड है ये बताती है। तो इससे हम सबसे पहले ईएसटी निकालेंगे, शीघ्रतम घटित होने वाला समय, ठीक है, अभी स्टार्ट टाइम है। तो इसके लिए इवेंट स्टार्ट करते हैं, ईएसटी निकालेंगे। सबसे पहले इवेंट वन, इवेंट वन में हम नाम लेते हैं ईवन का। तो ईवन जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ इसके पीछे कुछ भी नहीं है, तो ईवन बराबर कर देते हैं जीरो। इसके बाद में ये टू हमारे इसी को इवेंट्स टू ये ई टू नाम देंगे इसके, इसको ई बराबर क्या होगा ई टू पे, यहाँ से एक तो इसमें ये शामिल है ई टू में, यानी पीछे की जो स्टार्टिंग वाली घटना, इसके अलावा ये जो क्रिया है इसमें लगने वाला समय, दो पे आने पे हमें ये 5 वीक्स लगते हैं और पीछे ये दो, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है जीरो है, तो इसके इसका तो होगा होगा इवन प्लस ए, ए है जो कितने टाइम लगता है 5 वीक्स का है, या इसको लिखेंगे इवन हमारा था जीरो प्लस 5, तो ये आ गया 5, तो ई टू हमारा क्या है 5 आ गया है। इसी तरीके से इवेंट हमारी 3 है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको E3 नाम देंगे। E3 में पीछे की ये घटना शामिल है प्लस ये तो B में लगने वाला टाइम ये है, तो इसको हम लिखेंगे E1 प्लस B। B में हमारे 4 सप्ताह लगते हैं, तो हम 4 सप्ताह लिखेंगे, E1 तो 0 है प्लस B में 4 सप्ताह लगते हैं, तो इस तरीके से ये हमारा टाइम लगेगा इसमें टोटल 4, यहाँ तक आने में 4 वीक्स का इसमें टाइम लगता है इवेंट 3 का। अब बात करते हैं इवेंट 4 की, E4 के नाम से जानेंगे। E4 हमारे ये दो तरीके से रास्ते आते हैं, एक तो इधर से आता है एक इधर से आता है, तो दोनों का ही हम इसमें देखते हैं, जो कम होगा तो देखते हैं, ज्यादा होगा वो भी देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले ये है, तो एक तो इसमें ये घटना है E2 प्लस ये C, तो सबसे पहले लिखेंगे E2 प्लस C। C में जो टाइम लग रहा है वो है 8 वीक्स का लिखते हैं, E2 जो हमारा आया था वो था E2 में इसमें लिखेंगे 5 प्लस 8 बराबर ये हो गए 13। इसके अलावा यहाँ पे इधर से भी रास्ता आता है, ये जो रास्ता है इसमें है E3 प्लस 4 सप्ताह ये है, तो इसको हम D नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो D का तो टाइम है, E3 का तो हो गया है, E3 का हमने देखा था कितना है 4 है, देखेंगे 4 प्लस D का जो टाइम लग रहा है इसमें वो है 4 सप्ताह का, तो ये 4, तो इस तरीके से ही हो गया 8। इन दोनों में जो बड़ा सा टाइम है वो लेते हैं वो है 13, तो हम किसको लेंगे, इसको लेंगे, तो इवेंट 4 में हमारा तो ये 13 है टाइम जो। फिर E5 की बात करते हैं, इवेंट 5 या इसको E5 के नाम से जानते हैं, तो E5 ये है, तो यहाँ पे E4 प्लस ये जो टाइम लग रहा है ये होगा, तो इसमें लिखेंगे E4 प्लस E में जो टाइम लग रहा है, यहाँ से हम E है, E में टाइम लग रहा है वो है 3 सप्ताह, तो इसलिए E4 हमारा देखेंगे कितना था, E4 ये 13 लेना है, तो 13 प्लस E में टाइम लग रहा है 3, तो ये हो जाएगा 16, तो इस तरीके से E5 हमारा आया है 16 वीक्स है ये। फिर इवेंट 6 की बात करें, E6 के नाम से इसे कहेंगे, तो वो है यहाँ, तो ये एक तो इधर से आती है एक इधर से आती है, तो दो रास्ते हैं इसमें, तो एक तो E5 प्लस ये G में लगने वाला इसमें इधर से आती है, तो E4
ये एफ जो टाइम है, एफ में जो दो वीक्स का टाइम लगता है, इसको देखो मिलने में आता है। तो पहला तो रास्ता ये इसका पथ है ई फाइव प्लस जी, जी में लगने वाला समय एक वीक्स है। ई फाइव हमारा आया था 16, तो यहाँ लिखते हैं बराबर 16 प्लस एक बराबर दिया गया 17। और इधर वाले पास से यानी रस्ते से आ रहा है तो उसको कहेंगे ई फोर प्लस एफ में लगने वाला समय। एफ में जो समय लग रहा है वो है 2, और ई फोर लिखते हैं सबसे पहले तो ई फोर हमारा यहाँ था 13 प्लस इसमें जो टाइम लग रहा है वो है 2, इस तरीके से ये आता है 15। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको लेते हैं 17। तो इस तरीके से ये जो हमारी जो एक्टिविटी है अधिकतम जो टाइम लगने वाला है वो क्या दिखा रहा है इसमें, ये 17 दिन है। तो इस तरीके से जो शीघ्रतम घटित होने वाला समय है ये इसको बोलते हैं, ये शीघ्रतम समाप्ति समाप्त होने वाला टाइम है ये 17 दिन, इस तरीके से आ गया। अब हम बात करते हैं एलएफटी की, तो बात करी जाए एलएफटी की लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है, जो 6 घटनाएं हमें दिखाई गई है। 6 घटना में तो एलएफटी निकालने के लिए लास्ट से स्टार्ट करना होता है, तो इवेंट 6 पे चलते हैं अपन सीधे। इवेंट सिक्स में लेटेस्ट टाइम होगा वो एफ को कहेंगे वो होगा 17। हमने देखा थोड़ी देर पहले हमने किया था कि हमारा जो टाइम था वो कितना है लास्ट में 17। तो 17 और एक बार सभी को लिख लेते हैं कि ये सभी इन आंकड़ों पे कहाँ कहाँ कितने कितने टाइम आया है वो। तो हमने इनके जो आंकड़े थे हमने थोड़ी देर पहले निकाले थे वो सारे आने दिए। ई सिक्स हमारा था 17, ई फाइव था वो 16, और ई फोर 13, ई थ्री और ई टू है 5, और ई वन यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। अब एल वन निकालने में एल वन जो सबसे लास्ट का होता है वो 17 लेना है, वो जो सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है वो इतना ही। तो एल सिक्स इज इक्वल 17 से इसको लिखी हुई। अब इवेंट फाइव की बात करें, इवेंट फाइव की बात करें तो इसमें ये जो टाइम लग रहा है ये यानी इसमें से ये टाइम घटा देंगे, तो एल सिक्स माइनस ये जी को घटा देंगे, जी का जो टाइम भी है तो जी का टाइम एक है, तो ये आ जाएगा एल सिक्स का था 17 माइनस एक तो ये आ जाएगा 16। तो ई सॉरी इसको कहेंगे एल, ये एल फाइव इज 16 हो गया। इसके बाद में इवेंट फोर की बात करें, इसमें हम ये है इसको ना बोलेंगे एल फाइव, निकालेंगे एल फोर। एल फोर की बात करें तो यहाँ दो रास्ते आ रहे हैं, एक तो ये इसमें से घटा सकते हैं, ये इसमें से घटा सकते हैं, तो इसको कहेंगे एल फोर में एल फाइव ये घटना है, इसमें से ये घटेंगे जो ई का टोटल टाइम है माइनस ई, ई का जो तीन है वो घटाएंगे। एल फाइव का जो हमने निकाला था वो आया था 16 माइनस ई का टाइम 3 है तो ये आता है 13। और इधर से हम देखें तो ये आता है L6 माइनस ये F का जो टाइम लग रहा है इसको घटाएंगे F, तो F का टाइम है 2 वीक्स है, तो L हमारा जो 6 था वो था 17 माइनस F का टाइम है 2, तो इस तरीके से ये आता है 15। इसमें हमें जो छोटा टाइम होता है ठीक है न्यूनतम टाइम वो लेना है, तो इसमें रहेंगे एल फोर बराबर 13। इसके बाद में एल थ्री की बात करें, इवेंट हो जाएगी हमारी इवेंट थ्री में इसको एल थ्री बोलेंगे। एल थ्री में देखते हैं तो इसमें से ये टाइम घटाएंगे एल फोर माइनस ये जो डी का जो टाइम है, डी का टाइम लग रहा है इसमें 4 सप्ताह, एल फोर हमारा ये आया है तो ये 13 माइनस डी का टाइम है 4, तो इसमें से ये 13 में से 4 है घटाएंगे तो आ जाएगी 9। तो इस तरीके से इवेंट 3 का आ गया है। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं इवेंट 2, इसको हम एल 2 कहेंगे, तो एल 2 का निकालेंगे तो ये 4 में से ये जो टाइम 8 घटाना आपको तो ये आ जाएगा
एल फोर माइनस सी के लगने वाला टाइम। तो एल फोर हमारा ये था, ये हमने एल फोर निकाला था, एल फोर ये है 13, यानी कि 13 माइनस सी में तो हमारा टाइम लगता है वो 8, तो ये आ जाएगा 13 में से 8 टाइम तो 5। तो इस तरीके से ये आ गया इवेंट टू। और इवेंट इवेंट की बात करें वन की, तो इसको कहेंगे एल वन। एल वन से दो रास्ते आते हैं, तो एक में से इसमें से इसको टाइम घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो देखते किस तरीके से। तो ये है एल टू माइनस एल टू में से जो एक घटना में जो टाइम लग रहा है वो घटाएंगे, एक घटना इसको ले लेते हैं। तो एल टू का हमारा टाइम आया था वो था 5, 5 माइनस ये आ जाएगा 5, तो ये आ गया बराबर 0। और इधर से देखें तो एल थ्री माइनस जो इस इवेंट में जो बी का जो टाइम लग रहा है इसे 4 है, तो इसको वैसे लिख देते हैं बी के लिए देते हैं एल थ्री का जो हमारा था एल थ्री में देखा कितना 9 आया था, तो 9 माइनस बी का जो टाइम 4, तो इस तरीके से ये आता है 5। तो दोनों का जो छोटा है 0 वो लेंगे, तो इस तरीके से एल वन इज 0 आएगा। तो इस तरीके से ये एल वन और हमने ई वन निकाले, तो यहाँ लिखते हैं एल वन सभी में जो आंकड़े निकाले वो देख सकते हैं, वो जो सारे सारे यहाँ साथ साथ में लिखने चाहिए। जैसे कि एल फोर था हमारा, एल फोर एल फोर हमने निकाला ये है 13, और एल थ्री जो हमारा आंकड़ा आया था वो था 9, और एल टू हमारा है वो 5, एल टू बराबर है 5, और ये है एल वन। तो इस तरीके से ESC और LSC हम निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तो आज के तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।